और हम सब लोग, लालू जी, हम लोग, राहुल जी, सब लोग यही चाहते हैं कि इस बार सुपौल जो है यहां से लालटेन खिलना चाहिए। तो आप लोग सब लोगों से यही अपील है कि चंद्रहास चौपाल जी को एक एक वोट दे करके लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम कीजिए। कितना नंबर पर है? दो नंबर पर, क्रमांक संख्या दो पर। पहले भी कहा था कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, मोदी जी की बात नहीं होनी चाहिए। बताओ कितने नौजवान बेरोजगार हैं, हाथ उठा के बताओ। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? मोदी जी ने नौकरी दिया, कोई रोजगार दिया, तो बेरोजगारी को हटाने के लिए लड़ाई लड़ना है ना। लड़ाई कैसे लड़ोगे? वोट का चोर। लालटेन पर बटन दबा करके भारी मत से इस लड़ाई में शामिल होइए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सरकार लाए जो महंगाई को खत्म करे, गरीबी को हटाए, बेरोजगार को, जवान को रोजगार दिलाए, हमारे किसान भाई का आय दुगुना करे। निवेश आए, कारखाना आए, ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना हो। हम लोग चाहते हैं लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा अस्पताल में इलाज हो, ये हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए आप सब लोगों से आए अपील कर ले कि चंद्रहास चौपाल जी को जिताइएगा। आप जिताएंगे तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाया जाएगा, पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी, लालू जी, शरद पवार जी, स्टालिन साहब, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जी, उद्धव ठाकरे, जब हम लोगों का, अखिलेश यादव जी, जब हम लोगों का केंद्र में सरकार बनेगा तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे पूरे देश में। ये परिवर्तन पत्र हम लोग लेके आए, 24 के लिए 24 जनवचन है। इसमें क्या है ना भाई, सबसे पहले अग्निवीर योद्धा को हम लोग खत्म करेंगे ताकि पुराना हिसाब से बहाली हो सके। अग्निवीर योजना में ना तो शहीद का दर्जा है, 4 साल में निकाल देगा, ना पेंशन है, ना कैंटीन का सुविधा है। तो हम लोगों की सरकार आएगी तो जितना पैरामिलिट्री फोर्स और सैनिक बल है उनको भी शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और क्या है इसमें, 1 करोड़ लोगों को होगा, गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग करेंगे, ये इसमें है काम है। और यही नहीं, महंगाई कितना हो गया रे भाई, कितना सिलेंडर गैस हो गया बताओ, कितना, 1500, 1800, 1400, बताइए आप लोग। महंगाई खत्म होने पर गैस हम लोग कर देंगे 500 रुपया में कर देंगे। देश भर में सबसे महंगा बिजली बिहार में है, और जो महंगा बिजली है तो आप सब लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा। इसमें किसानों का 10 फसलों करेंगे,
अभी देखिए हर जगह कटनी हो रहा है, लेकिन सही दाम नहीं मिलता है फसल का, बीज वाला ले जाता है, और है भी तो एक दो फसल का ही एमएसपी है, वो भी पूरा नहीं मिलता, सरकार भी समय पे नहीं ले पाती है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 10 फसलों का एमएसपी तय किया जाएगा और आपको उचित दाम किसान भाइयों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जो साथ ही साथ शिक्षा बताओ, शिक्षा और पढ़ाई मुफ्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुफ्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा शिक्षा और पढ़ाई पूरे देश भर में हम लोग मुफ्त करने का काम कर रहे हैं। ये काम हम सब लोग करने जा रहे हैं तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। बताओ 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 5 लाख लोगों को। जाति आधारित गणना कराया 17 महीने में, आरक्षण की सीमा को 75% किया 17 महीने में। तालमी मरकज हो, हमारे टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया उन 17 महीनों में। नियोजित शिक्षक की मांग थी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, 50,000 करोड़ का एमओयू साइन हम लोगों ने कराया निवेश को, ताकि बिहार हम लोग साइन करा। लेकिन चाचा जी पलट गए। आप देखिए, हम तो उनका सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम तो उनका बेटा के रूप में खड़े थे, लेकिन भाजपा वाला सब हाईजैक कर लिया। और आप सब लोगों को बता दें कि भाई 5 लाख मैंने सरकारी नौकरी दिया, लेकिन 3 लाख और करके आए, प्रक्रियाधीन है, अभी तक रोक के रखा है। आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जो 3 लाख और बहाली हम निकाल करके आए हैं, जिनको इन लोगों ने रोका है, तेजस्वी इधर आटा सरकार से पेपर लीक हो गया, हुआ कि नहीं पेपर लीक, तो इसलिए इन लोगों को इस बार सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए चंद्रहास चौपाल जी को एक एक वोट दे करके आप लोग बटन दबाइए लालटेन पर, और लालटेन को जलाने का काम कीजिए। सोचो कितने साल बाद यहाँ का सांसद जदयू का, एनडीए का, प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सब कुछ उनका, लेकिन अभी भी गरीबी है, अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी महंगाई है। बता सुपौल में कौन सा कारखाना लगवा दिया रे भाई? कुछ लगा कारखाना? कोई कारखाना नहीं लगा। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करने आए हैं कि एकजुट रहिए, अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े भाई, अल्पसंख्यक, दलित भाई, सब लोग एकजुट होइए। ये लड़ाई तेजस्वी आपके लिए लड़ रहा है। आप देखिएगा हमारे मंच पर हर जात के, हर धर्म के लोग बैठे हुए, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। सबका सम्मान हम लोगों ने किया है। यहाँ अगड़े भी मिलेंगे, पिछड़े भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे, अति पिछड़े भी मिलेंगे, अल्पसंख्यक भाई भी मिलेंगे, आदिवासी भाई भी मिलेंगे, सबको हम लोग साथ लेकर के चल रहे। तो साथ मिलेगा? अरे बताओ, हाथ उठा। तो भाजपा भगाना है ना? नारा लगाइए, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। आप सब